जय हिंद। सभी सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए 5 से कम से कम 6 न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो भी सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके विषय में बताऊँगा, कम्यूटेशन लेने वाले जवानों के विषय में बताऊँगा, RTO के नए नियम के विषय में बताऊँगा, इक्वल MSP के विषय में बताऊँगा, उसके बाद वारूपी पर नाखुश 30 अप्रैल इसके विषय में भी बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देख लेना, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके और जो बगल में बेल घंटी का आइकन होगा उसको दबाकर ऑल कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन और जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ट्वीट भी निकल कर आया है। जो काम 25 लाख पेंशनर्स का 50 रुपये के हिसाब से 16 करोड़ 25 लाख रुपये के सालाना खर्च पर हो रहा था, उसी काम को कराने के लिए 25 करोड़ स्पर्श पर खर्च करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट AMC स्टाफ सैलरी पर सालाना खर्च कर भारत सरकार अपने आप को चोर लुटेरे के गैंग में शामिल तो कर ही ली, मगर मात्र 500 करोड़ और देकर सही वारूपी लागू नहीं करा सकी, क्योंकि इसने लूट करने की छूट नहीं थी। तो ये ट्वीट निकल कर आया है जो कि ये देख रहे हैं। आई सपोर्ट इंग्लिश रंजन जी के सपोर्ट में जस्ट नाउ अभी तुरंत का ये ट्वीट निकल कर आया है। अब चलिए इसके विषय में आप लोगों को बात और भी आगे न्यूज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो न्यूज अभी आप देख रहे हैं, इंडियन वेटनर्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर 27 अप्रैल को लेटर सौंपा जाएगा। वो किसको सौंपा जाएगा उसके विषय में बता देता हूँ। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेटर सौंपा जाएगा। किसके विषय में सौंपा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। कि जो कि ORP यहाँ पर देख रहे हैं, रिमार्क ऑन दी ORP 2 टेबल इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट इंडियन ऑन 20 जनवरी को जो टेबल जारी किया गया था, जिसमें टेबल नंबर 7 और 8 में जो गड़बड़िया है उसको लेकर 27 अप्रैल को ये लेटर सौंपा जाएगा, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये लेटर सौंपा जाएगा। तो ये